आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि 15 साल आप मुख्यमंत्री रहीं और ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस सबसे मुख्यमंत्री रहा चैलेंज था। नहीं 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 मैं सवाल पूरा ये मेरा था कि आप मुख्यमंत्री रहीं उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निचले स्तर पे चली गई, अब यहाँ से रिवाइव करता और चुनौती केंद्र में बीजेपी और राज्य में आम आदमी पार्टी, सवाल इस संदर्भ में। देखिए पॉलिटिक्स में चुनौतियां ही होती है हर वक्त, कभी आप ये नहीं कह सकते कि भैया अब हम अकेले हम शॉट जीतेंगे, तो ये करेंगे और उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आपको स्ट्रैटेजी बनाएंगे बता देंगे जब हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी किसको सबसे बड़ा चैलेंज मानती है? क्योंकि दोनों ही हमारे लिए चैलेंज है, दोनों हैं इक्वली और हम इसको दोनों को मीट करेंगे और एकजुट होकर मीट करेंगे। दिल्ली स्पेसिफिक भी मुद्दे उठेंगे लोकसभा चुनाव में, चूंकि दिल्ली में भी चुनाव होना है, क्या आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस को लेके कोई अभी बात? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अलाउड करती है, कोई बात नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने राजीव गांधी जी के लिए कहा था अपनी पार्लियामेंट अपनी असेंबली के अंदर, उससे हमें सबको बहुत बुरा लगा और बहुत चोट लगी। दे हैड नो राइट टू से ऑल दैट।